यथा प्राकाशयति एका यथा यथा प्राकाशयति एका कृत्स्नम लोकम इमम रवि कृत्स्नम लोकम इमम रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नम क्षेत्रम क्षेत्रम क्षेत्री प्रकाश प्रकाश ट्रांसलेशन पढ़ेंगे कौन वॉलेंटियर करेगा ट्रांसलेशन और प्रॉपर पढ़ने के लिए हरी बोल आई कैन रीड हाँ प्लीज मायरा विल रीड द ट्रांसलेशन आई रीड द Baharata. Bharata, as the sun alone unit eliminates eliminates all the in, in universe universe so does the living entity entity one within the body unit the entire body by the con consciousness consciousness, consciousness. Hare Krishna, thank you so much, Mahira. Thank you for doing nicely. Should I read the purport? Anjipadi. So I'll repeat the translation. O son of Bharata, as the sun alone illuminates all this universe, so does the living entity, one within the body, illuminate the entire body of consciousness. Perfect. There are various theories regarding consciousness. Here in Bhagavad Gita, the example of the sun and the sunshine is given. As the sun is situated in one place but is illuminating the whole universe, so a small particle of spirit soul, although situated in the heart of this body, is illuminating the whole body by consciousness. Thus, consciousness is the proof of the presence of the soul. As sunshine, all light is the proof of the presence of the sun. When the soul is present in the body, there is consciousness all over the body. And as soon as the soul has passed from the body, there is no more consciousness. This can be easily understood by any intelligent man. Therefore, consciousness is not a product of the combinations of matter. It is a symptom of the living entity. The consciousness of the living entity, although qualitatively one with the supreme consciousness, is not supreme because the consciousness of one particular body does not share that. of another body but the super soul which is situated in all the bodies as the friend of the individual soul is conscious of all the bodies this is the difference between supreme consciousness and individual consciousness hari bol hare krishna thank you for reading <clears throat> तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं अर्जुन को एक एग्जाम्पल दे के, के सूर्य का एग्जाम्पल जैसे सूर्य है वो प्रकाश फैलाता है और इतनी सारे प्लैनेट्स जो हैं इतने सबको वो आ, उसकी वजह से जो सूर्य की रोशनी है वो आती है और सूर्य की रोशनी स्प्रेड कर जाती है जिससे कितने सारे लोगों का भला होता है उसी तरह से अगर आप इस शरीर को देखो तो इस शरीर के अंदर कॉन्शियसनेस है अगर आप कंपेयर करो केमिकल्स और इतनी सारी चीज़ें हैं इस पूरी नेचर में अगर आप केमिकल्स को लो और केमिकल्स से आप कोशिश करो कि कोई एक छोटा सा सेल भी बनाने की या कोई अंडा भी बनाने की तो केमिकल्स के थ्रू वो बन नहीं सकता अगर अगर बनेगा भी तो ऐसा नहीं हो सकता कि उस अंडे में से कोई एक्चुअली लिविंग बींग निकले बाहर ऐसा नहीं हो सकता और जब रिसर्च करके साइंटिस्ट बड़े तरीके अपना रहे थे तो उन्होंने कहा कि केमिकल्स तो हम डाल देंगे सब जगह लेकिन उसके अंदर कॉन्शियसनेस कैसे डालेंगे ये चीज़ जो है ये अभी तक समझ नहीं आई साइंटिस्ट को कि कॉन्शियसनेस कहाँ से आ रही है कॉन्शियसनेस का सोर्स क्या है जो चेतना है लिविंग बॉडी के अंदर वो कहाँ से आ रही है क्योंकि अगर आप देखो तो शरीर तो मोर और लेस डेथ के बाद भी होता ही है प्रेजेंट तो अगर शरीर होता है डेथ के बाद तो उसमें जो भी केमिकल की कमी हो गई है आपको केमिकल डाल के उस व्यक्ति को फिर से जिंदा कर दीजिए लेकिन ऐसा कर नहीं सकते जितना मर्जी आप कोशिश कर लो मृत्यु के बाद आप साइंटिफिक मेथड चाहे लगा लो जो भी है उसको नहीं कर सकते तो क्या है वो मिसिंग पीस वो मिसिंग चीज जो डेड बॉडी में नहीं है और लिविंग बॉडी में है और वो है कॉन्शियसनेस चेतना तो इसका सोर्स क्या है कॉन्शियसनेस का सोर्स अगर हम पता लगाएं तो यहाँ गीता हमारे बता रही है कि पूरी पूरी की कॉन्शियसनेस का सोर्स जो है वो है वो सोल आत्मा सन एंड इज गिवेन एज is इज सिचुएटेड इन वन प्लेस बट इज एलिमिनेटिंग होल यूनिवर्स सो अ स्मॉल पार्टिकल ऑफ spirit सोल although सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ दिस बॉडी

समझना बहुत इजी है जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं उनके लिए कॉन्शियसनेस कभी भी किसी मैटर का प्रोडक्ट नहीं हो सकता आप जो भी कह लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये वो दूसरी चीजें ये सब मशीन के बनाए हुए एल्गोरिथम्स के हिसाब से और जो उसके अंदर आ, उन्होंने प्रोग्रामिंग डाली है उस हिसाब से चल रहा है इट इज नॉट एनी थिंग क्लोज टू लाइफ ये लाइफ के uh, so, जो एक्चुअल लाइफ है जो सोर्स है कॉन्शियसनेस uh, का जो सोल है उसमें से जो आती है चेतना उससे गैजेट्स बना के और सोचना कि अलग अलग केमिकल्स या कोई मटेरियल्स या चिप्स डाल के हम uh, इससे हम एक्चुअल लाइफ तैयार कर देंगे दिस इज नॉट इंटेलिजेंट प्रोपोजल ये सब कर सकते हैं कई मिलियज और और ट्रिलियन और डॉलर्स हम खर्च सकते हैं मगर लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ एक्चुअली अगर आप देखो तो आपने इतने बिलियन ट्रिलियन डॉलर खर्च दिए फिर भी आप वो नहीं बना पाए और अगर कल को आप बना भी लो तो भी लाइफ तो यहाँ पर फ्री में जनरेट हो रही है एक लिविंग एंटिटी से दूसरी लिविंग एंटिटी ऐसी कोई मशीन तो आप बना बना नहीं कि जो कितने सारे काम करती है और फिर मशीनें जो हैं उन्हीं से नई मशीन पैदा हो रही है ऐसा बहुत ही यूनिक इंजीनियरिंग है ये ब्रह्मा जी की जिसकी नॉलेज उनको कृष्णा से आई विष्णु जी से आई सृष्टि के शुरू शुरुआत में तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि कि शुरू शुरू में भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में ये ज्ञान दिया तो ये फर्क है डेड बॉडी और लिविंग बॉडी में दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सुप्रीम कॉन्शियसनेस लेकिन कॉन्शियसनेस में भी जो है uh, वो भी जीवा की कॉन्शियसनेस है इस पूरी बॉडी में और इसके अलावा परमात्मा भी है इस शरीर में तो यहाँ कह रहे हैं तो कॉन्शियसनेस लिविंग एंडिटिटी ऑल्सो क्वालिटेटिवली वन विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस नॉट सुप्रीम बिकॉज द कॉन्शियसनेस ऑफ वन पर्टिकुलर बॉडी डज नॉट शेयर दैट ऑफ अनदर बट द सुप्र पर सोल विच इज सिचुएटेड इन ऑल बॉडीज एज द फ्रेंड ऑफ इंडिविजुअल सोल इज कॉन्शियस ऑफ ऑल बॉडीज तो हमारे अंदर जो आ, शरीर के अंदर जो एक आत्मा है जो कि हम हैं उसके साथ साथ एक परमात्मा भी है हमारे साथ और आत्मा को जो परसीव होता है परमात्मा को भी होता है परमात्मा भी सबको जानते इनफैक्ट हमारे अंदर जो एक थॉट आती है वो हमें जब तक पता लगती है कि हमारे अंदर ये थॉट आई है उससे पहले परमात्मा को आइडिया हो जाता है कि क्या थॉट हमारे अंदर आने वाले तो ये फर्क है सुप्रीम कॉन्शियसनेस और इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस ठीक है चले आगे किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट कोई और राइट नेक्स्ट करते हैं थर्टी फिफ्थ और ये लास्ट श्लोक है इस चैप्टर का प्लीज रिपीट कीजिए मेरे पीछे क्षेत्र 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 अंतरम ज्ञान चक्षुषा अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षा कौन वॉलंटियर करेगा ट्रांसलेशन और पोपट पढ़ने के लिए हाँ पढ़ी माते प्लीज Those who see, translation, those who see with eyes of knowledge the difference between the body and the knower of the body and can also understand the process of liberation from bondage in material nature attained to the supreme goal. Purport. The purport of this 13th chapter is that one should know the distinction between the body, the owner of the body and the super soul one should recognize the process of liberation as described in verses 8 through 12 then one can go on to the supreme destination a faithful person should at least have some should at least have some good association to hear of god and thus gradually become enlightened if one accepts a spiritual master one can learn to distinguish between matter and spirit and that becomes the stepping stone for further spiritual realization. A spiritual master, by various instructions, teaches his students to get free from the material concept of life. For instance, in Bhagavad Gita, we find Krishna instructing Arjuna to free him from materialistic considerations. One can understand that this body is matter. It can be analyzed with its 24 elements. The body is the gross manifestation, and the subtle manifestation is the mind and psychological effects. And the symptoms of life are the interaction of these features. But over and above this, there is the soul, and there is also the super soul. The soul and the the soul and the super soul are two. This material world is working by the conjunction of the soul and the 24 material elements. One who can see the constitution of the whole material manifestation as this combination of the soul and material elements, and can also see the situation of the supreme soul, becomes eligible for transfer to the spiritual world. These things are meant for contemplation and for realization. And one should have a complete understanding of this chapter with the help of the spiritual master. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much for reading. Okay. Those who see with eyes of knowledge the difference between the body and the knower of the body. एंड कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ लिबरेशन फ्रॉम बॉन्डेज इन मटीर नेचर अटेंड ट सुप्रीम कोर्ट तो सबसे ऊँची जगह पहुँच सकते हैं ऐसे लोग जो फ़र्क समझते हैं शरीर का और शरीर के ओनर का ज़्यादातर जनता जनार्दन यही सोचती है कि हम ये शरीर है लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनको पता होता है कि ये शरीर जो है ये हमें दिया गया है और हम इनके इसके ओनर हैं और केयर टेकर हैं और किस के बिहाफ पे हम ध्यान रख रहे हैं इसका हु इज द प्रॉपर इज द परमात्मा सुपर सोल उन्होंने हमें ये दिया है तो पर्पट में प्रोपात एक्सप्लेन कर रहे हैं थर्ड चैप्टर को के अंदर के वन शुड नो द डिस्टिंक्शन द पर्पर्ट ऑफ दिस थर्ड चैप्टर मतलब इसका क्या मतलब क्या है थर्ड चैप्टर में थर्ड चैप्टर में के अंत में आते आते हमें पता लग जाना चाहिए कि शरीर और शरीर के ओनर में फर्क है और जो बेसिकली uh, 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 शरीर है वो मटीरियल uh, है आत्मा जो है स्पिरिचुअल है और आत्मा के साथ ही होती है परमात्मा जो कि सुपर सोल है और गाइड करती रहती है वन शुड रिकोग्नाइज़ द प्रोसेस ऑफ लिबरेशन एज डिस्क वर्सेस एट थ्रू ट्वेल्थ लिबरेशन जो ज्ञान के माध्यम से नॉलेज के आरंभ बोला गया ना ज्ञान के माध्यम हम से हमें हाईएस्ट लेवल तक लेके जाना जहाँ पे हम लिबरेट uh, मोक्ष मिल जाए देन वन कैन गो ऑन टू द सुप्रीम डेस्टिनेशन सुप्रीम डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए फेथफुल पर्सन शुड एट फर्स्ट हैुड एसोसिएशन सो पहला स्टेप हमेशा है एसोसिएशन जैसे ही हमारे अंदर थोड़ी भी श्रद्धा होती है तो इमीजिएटली हमें क्या करना है साधु संघा नेक्स्ट स्टेप ठीक है ना और एसोसिएशन में क्या करना है सुनना है सुन के क्या होगा एनलाइटनमेंट हमें ज्ञान आएगा तो इफ़ वन एक्सेप्ट स्पिरिचुअल मास्टर वन कैन लर्न टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट एंड बिकम्स द स्टेपिंग स्टोन फॉर फर्दर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन तो धीरे धीरे हमें एनलाइटनमेंट आएगी एनलाइटनमेंट से हमें पता लगेगा सही क्या है गलत क्या है और उसके बाद हम क्या चाहेंगे उसके बाद हम चाहेंगे कि इस प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करें हम और उसके लिए पहला स्टेप है इनिशिएशन मतलब कि गुरु एक्सेप्ट करना गुरु से सीखना और उनसे नॉलेज को समझना और धीरे धीरे सेवा करना जब हम ये सब करते हैं तो फर्दर हमारे को स्पिरिचुअल लाइफ में आगे एडवांसमेंट मिलती है और स्पिरिचुअल रियलाइजेशन होती है फिर गुरु के बारे में स्पिरिचुअल मास्टर बाय वेरियस इंस्ट्रक्शन टीचर्स इज ड स्टूडेंट टू गेट फ्री फ्रॉम मटेरियल कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ तो क्या जरूरत क्या है गुरु की ताकि हम ये मटेरियल कॉन्सेप्ट जो है इससे बाहर आके स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर सकें और फॉलो कर सकते हैं भगवत गीता के अंदर हम देखते हैं कि कृष्णा को अर्जुन ने गुरु बनाया था कृष्णा को बोला कृष्णा शिष्य शादी माम त्वाम प्रपन्नम आप मुझे गाइड करो और क्योंकि उन्होंने कृष्णा की शरण ली इसलिए वो पूरी सब मटेरियल कंसेंट्रेशन से फ्री हो गया अर्जुन तो इसी तरह से हमें समझना चाहिए कि ये शरीर जो है ये मटेरियल है और इसके संख्या में इसके लिए चौबीस एलिमेंट्स हैं जिसमें ये मटेरियल एलिमेंट्स जो हैं उनको स्टडी किया जाता है और शरीर जो है वो ग्रॉस मैनिफेस्टेशन है सटल मैनिफेस्टेशन क्या है माइंड इंटेलिजेंस और ईगो या साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं इसके माइंड के और ये सारे जो हैं ये सटल है सूक्ष्म है मतलब ये परसीव नहीं कर सकते आप अपनी सेंसेस से आईज ईयर्स, नोज़, टंग्स अ छू के देख के स्मेल uh, करके नहीं आप परसीव कर सकते उसको सर्कल कहते हैं और लाइफ क्या है असली में सिम्टम्स ऑफ लाइफ वो है इंटरेक्शन ऑफ दीस फीचर्स तो बेसिकली जब सोल के प्रेजेंस में बॉडी इंटरैक्ट करती है इन सब में तो उसके बाद होता है दिस मटेरियल वर्ल्ड इज वर्किंग बाय द कंजंक्शन ऑफ सोल एंड द 24 मटेरियल एलिमेंट्स One who can see the constitution of whole material manifestation as this combination of the soul and material elements, and can also see the situation of supreme soul becomes eligible for transfer to the spiritual world. These things are meant for contemplation and for realization. And one should have a complete understanding of this chapter with the help of spiritual master. So in this way, we see the इन चीज़ों को समझना है और जैसे हम समझते हैं तो हमें पूरा आइडिया हो जाता है मटेरियल और स्पिरिचुअल साइंस के बारे में मटेरियल एलिमेंट्स की जो स्टडी है उसके साथ साथ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स भी हैं जो पता लग जाते हैं और धीरे धीरे भक्तों के एसोसिएशन में और गुरु के आशीर्वाद से हम समझेंगे तो हमें पूरी क्लियर हो जाएगा और जिसको ये क्लियर हो जाता है वो उसके लिए मोक्ष के दरवाजे खुल जाते हैं

पंच पांच हो गए आपके कर्म इंद्रिया और पांच हो गई ज्ञान इंद्रिया तो पांच कर्म इंद्रिया कौन बताएगा और पांच ज्ञान इंद्रिया कौन बताएगा कोई बता सकता है ज्ञान इंद्रिया तो, तो, तो कर्म पांच? हैं क्या मेरे को आवाज नहीं आ रही eyes eyes हाँ, हाँ. hands hands Back, pair, eyes, ears okay correct hands so नहीं नहीं ज्ञान indriya अलग हो गई कर्म indriya हाँ. अलग हो गई तो ज्ञान इंद्रिया में क्या क्या बोला आपने आईज nose आईज नोज स्किन स्किन आई आ आई स्किन or... yeah. और आईज बस स्किन टंग आईज नोस स्किन और इयर्स हियर इयर्स सॉरी सॉरी यस यस टंग एंड तो पांच ah. पांच सेंसेस जो हम इंग्लिश में बोलते हैं वो हो गई उसको हो गई ज्ञान ज्ञानेंद्रियां उससे हम परसीव कर रहे हैं ज्ञान मिल रहा है हमें कि क्या हो रहा है हमारे आसपास ठीक है ना फिर नेक्स्ट हो गई पांच कर्म इंद्रिया हैंड्स लेग्स जेनिटल्स, ठीक है तो ये सब कर्म इंद्रिया हो गई तो पांच ज्ञान इंद्रिया पांच कर्म इंद्रिया पांच महाभूत और फिर और माइंड इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो तीन ये हो गए और पांच हो गई सेंस ऑब्जेक्ट्स जो सेंस ऑब्जेक्ट्स के साथ टच में आती हैं सेंसेस वो सारी की सारी हो गई पांच ठीक है ना क्लियर हो रहा है यस yes, और सोल हो गई okay. सोल और सुपर सोल हो गई okay. ठीक है कोई चार्ट है प्रभु जी इसका इसका कोई चार्ट है इसका प्रभुपाद जी है? ने परपट में दिया था पीछे अच्छा ठीक है चार्ट भी मैं देख सकता हूँ मगर नो नो प्रॉब्लम आई विल फाइंड इट देन थैंक यू प्रभु जी ओके थैंक यू और किसी अच्छा का दे कोई क्वेश्चन चार्ट दे देना ठीक है मैं चेक करके भेजता हूँ ओके और किसी का कोई क्वेश्चन कॉमेंट कोई पॉइंट ऑल राइट right, तो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं uh, मैं च, मैंने वीडियोस अपलोड करनी शुरू कर दी हैं आप लोगों ने देख ली होंगी अगर नहीं देखी तो देख लोगे आप और साथ में वी विल देन फिक्स अ टाइम फॉर क्विज वीकेंड पे कर सकते हैं इस वीकेंड पे नहीं तो अगर और टाइम चाहिए होगा तो एक दो तो दिन बाद भी कर सकते हैं तो वी विल टॉक मोर अबाउट इट कल हम कोशिश करेंगे एक समराइज़ uh, करने के लिए चैप्टर जय ग्यारह बारी हरे कृष्ण बोलेंगे फिर कंक्लूड करेंगे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण